पता नहीं ये झूठ बोल रहे हैं कुछ पुलिस वाले, पूरी बात नहीं बता रहे, कह रहे मुजलिम है। तो ये खुद है हमारे भाई को, उन्होंने कैद करके रखा है हॉस्पिटल में भी, और बच्चों को डरा भी रहे हैं। ये बोल रहे थे कि 10-10 लड़कों के नाम बताओ दोनों, और वरना हम तुम्हें मार देंगे। अगर ये कह दिया तुमने पुलिस वालों ने मारा है तो हम तुम्हें मार देंगे, पब्लिक का नाम लेने के पब्लिक ने मारा है हमें, बच्चों को डरा रहे हैं ये। और भी है, हाँ सारा सूजा हुआ पड़ा है सर, मारा बहुत है उसे डंडों से, सारे में निशान हो रहे हैं, पूरे जिस्म पे निशान है, नीले नीला हरे नील पड़े हुए हैं सारे में, बांध रखी है पैर में, ऐसी हालत है। हमने बोला सर एक मिनट के लिए खोल, दो मिनट के लिए खोल दो, बोले एक मिनट के लिए भी नहीं खोलेंगे, ये भाग जाएगा। हमने सर इसकी भागने वाली हालत नहीं है, बोले ये ठीक है ये भाग जाएगा, और उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो सही से ठीक से चल भी पाए। 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई उसमें 5 लोगों की जान गई, कई लोगों को चोट आई, और उसमें से एक है मोहम्मद हसन। हसन की बहन आशिया हमारे साथ है, अजीम आईसीयू में, वो भी यहीं पर हैं। उनके मम्मी पापा भी बात करना चाहें तो कर सकते हैं, पर उनके भी ये बोल रहे थे कि इनकी छुट्टी है छुट्टी, पर अभी छुट्टी उनकी भी नहीं है, फिर इनके फाइल नहीं बनी है पूरी। पता नहीं ये झूठ बोल रहे हैं कुछ पुलिस वाले, पूरी बात नहीं बता रहे, कह रहे मुजलिम है। तो ये खुद है हमारे भाई को, उन्होंने कैद करके रखा है हॉस्पिटल में भी, कोई कहने सुनने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, पास भी नहीं जाने दे रहे उसके। 24 तारीख को क्या हुआ था वो अगर आप बता पाए, कैसे चोट आई उसको, और फिर आप लोग कहाँ लेके गए? हम कहीं नहीं लेकर गए थे, वो छोटा भाई है ना हमारा, वो कहीं और गया था। मम्मी ने बोला था कि छोटे वाले भाई को देख ला, कभी लड़ाई में चोट लग जाए, ये उसको देखने गया था। अब भगदड़ मची होगी, ये भी भागा, गोली इसके लग गई, और इसको फिर बाद में मारा भी बहुत ज्यादा मारा, और फिर हमें बताया भी नहीं कि हम कहाँ हैं। फिर हमने अचानक फोन करा, मैंने वो लड़ाई हो रही दोनों भाइयों का, पता नहीं है कहाँ है, तो बोले वो मैंने फोन करा उनके कहाँ है, तो किसी ने उठाया, बोले ये तो थाने में बंद है घंटा घर। फिर मतलब ऐसे पता नहीं कोई झूठ बोला जा रहा था कभी, जी संभल में घंटाघर, बोले वो कभी तो बोल रहे थे कि थाने में है, कोई कह रहा था मुरादाबाद में है, पूरी बात नहीं बता रहे थे। फिर बाद में पता चला हमें वो सरकारी हॉस्पिटल में है, फिर यहाँ लेकर आए हैं, यहाँ पर इलाज। जब आप मिले उससे हसन से तो किस अवस्था में था हसन? बहुत खराब थी सर, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज्यादा तकलीफ थी उसके ऊपर। गोली कहाँ लगी थी? गोली यहाँ पर लगी है, छेद हुआ है जी पूरा बाजू में, कौन से दाहिने बाजू में, बाएं में? शायद दाएं, ये तो मैंने ध्यान भी नहीं करा, हाँ ये ध्यान नहीं करा, शायद सीधे में है, ये ठीक से मुझे पता नहीं है, मैंने देखा। कहाँ निकाली गई, यहाँ के अस्पताल में या संभल में जब आप गए? जैसे निकाली थी ना तो वो जब ही छेद हो गए तो पूरा पार हो गई थी, और यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर। आप जब मिलने गए हसन से तो गोली पहले निकल चुकी थी? मतलब जैसे मारी होगी ना तभी निकल गई थी, छेद हुआ है पूरा पार। अब वो क्या कहते हैं पट्टी वट्टी वहाँ भी हो रही थी, यहाँ भी हो रही, ऑपरेशन के लिए बोले थे पर अब मना कर रहे हैं, ऑपरेशन नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, कल बोले थे कि ऑपरेशन जरूरी है, अब मना कर रहे हैं। यहाँ कब लेके आए? यहाँ हम 26 को आए थे, वहीं से रेफर करा था यहाँ पर, और बच्चों को डरा भी रहे हैं। ये बोल रहे थे कि 10-10 लड़कों के नाम बताओ दोनों, और वरना हम तुम्हें मार देंगे, अगर ये कह दिया तुमने पुलिस वालों ने मारा है तो हम तुम्हें मार देंगे, पब्लिक का नाम लेने के पब्लिक ने मारा है हमें, बच्चों को डरा रहे हैं ये। वहाँ पर भी बोला था और यहाँ भी बोला होगा, वहाँ तो पक्का बोला था। इनका नाम लेने के लिए क्या अपने पास से 10 नाम गिनो, 10-10 नाम दोनों गिनो कि हमारे साथ में वो भी थे, ये बोल रहे हैं। तो नाम उसने बताए? जब साथ में कोई था ही नहीं सर, तो को नाम कहाँ से बताएंगे। तो दंगे के दिन क्या करने के लिए गया था, वहाँ पे उतनी भीड़ थी, हिंसा होने की संभावना थी, तो हसन वहाँ करने क्या गया था? छोटा भाई को देखने गया था, घर पे दो भाई है, एक ये बड़ा ये है छोटा एक और है, उसको देखने के लिए गया था। क्या मम्मी ने बोला था कि उसको देख लो क्या कभी झगड़े में चोट लग जाए, वो कहीं और था, पता नहीं था हमें, वहाँ तब लगी थी इसके। अच्छा, जानकारी नहीं थी कि छोटा भाई कहाँ है, तो उसको ढूंढने के लिए निकला था, ये गया था कि उसके चोट नहीं लग जाए, कहाँ है उसको देख लाओ, तब लगी थी उसके, तब मारा था। जब लेके आए आपके भाई, छोटा भाई वहाँ नहीं था, इसकी वजह से आप उनको ढूंढने के लिए निकला, तो जो गोली लगी है वो क्या पता चला, कैसे गोली लगी? ये तो वही मतलब जैसे भीड़ थी और वो जो गोले छोड़े गए थे पता नहीं जिससे मतलब आंखों में धुआं आ जाता है, वो गिर गया था, तब गोली लगने के बाद में गिर गया था, भाग नहीं पाया था। और भी कहीं चोट लगी है? और भी है, हाँ सारा सूजा हुआ पड़ा है सर, मारा बहुत है उसे डंडों से, सारे में निशान हो रहे हैं, पूरे जिस्म पर निशान है, नीले नीला हरे नील पड़े हुए हैं सारे में। पुलिस क्या बता रही है, आपका भाई आरोपी है इस मामले में? कहते थे अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता, हम बोलते हैं सर क्या होएगा, तो बोला अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता, ये तो सीओ साहब बताएंगे, हमें कुछ भी नहीं पता, ये बोल देते हैं, कुछ भी नहीं बताते, और बात भी नहीं करने देते, पास में जाओ तो तब भी नहीं जाते। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं अभी, क्या हमें नहीं बताते, कुछ भी नहीं, डॉक्टर बता रहे हैं नहीं, पुलिस वाले बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं बताते।
कोई अभी उनको छुट्टी करना है या कोई और सर्जरी होनी है, क्या बता रहे हैं डॉक्टर? कल से तो बोले थे छुट्टी होगी, परसों से बोले थे छुट्टी होगी, फिर कल बोला डॉक्टर ने कि इनको ऑपरेशन जरूरी है, ऑपरेशन होएगा। अब ऑपरेशन के लिए भी मना कर रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होएगा इनका। ऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा कुछ बता? हाँ, वो बोले थे अगर ऑपरेशन हो रही है, नसें होती है ना, तो नसें कट गई है गोली से, अगर वो ऑपरेशन नहीं हुआ तो हाथ खराब हो जाएगा, गिलास भी नहीं उठा पाएगा। क्या काम करता है ऐसा? ये वो ऐसे मतलब होटल पे काम करते हैं, बर्तन वर्तन साफ करने, दिल्ली में ऐसी मजदूरी करते हैं। दिल्ली में रहता था ये तो? फिर उस दिन संभल में क्या कर रहा था? पापा का इंतकाल हो गया ना, इंतकाल में आया था पापा का। अभी एक महीने भी नहीं हुआ है, अभी तो 20 में हुआ है ना पापा का, उसमें आया था। अच्छा। हाँ मतलब एक महीना हुआ, पहली तारीख को खत्म हुए थे, तो अभी आज शायद पता नहीं। आप जो कह रही हैं, दावा कर रही हैं, हसन ने कहा कि उसको पुलिस वाले कह रहे हैं नाम बताओ नाम बताओ, और किन का नाम बताओ? मतलब तुम्हारे साथ में लड़के और थे मारने वाले पथराव में, वो ये कह रहे हैं कि अपने पास से नाम बताओ, 10 लड़कों के नाम याद करो। हाँ तो सर उसके साथ कोई था ही नहीं, तो किसका नाम बताए? वो तो इकला गया था घर से। और नाम नहीं बताए तो क्या होगा? बोले मार देंगे तुम्हें, अगर नाम अगर ये मतलब अगर हम तुमने हमारा नाम लिया ना कि पुलिस वालों ने मारा है, तो तुम्हें मार देंगे। कि तुम ये कहना कि पब्लिक ने मारा है, और हमारे साथ में लड़के और भी थे मारने वाले। दबाव आप पे बन रहा है, ठीक है। तो परिवारों की तरफ से भी दावा हो रहा है, आशिया है, मोहम्मद हसन नाम है इनका, दावा है कि इनके भाई की उम्र अभी 18 साल भी पूरी नहीं हुई। संभल में जब हिंसा हुई तो उस वक्त परिवार के अनुसार हसन को चोट आई, गोली बुलेट की इंजरी है। पहले संभल के अस्पताल और अब मुरादाबाद के टीएमयू अस्पताल में हसन को रखा गया है। पुलिस वहां पे इकट्ठा है और बेड़ियां पांव में क्या बांध रखी है पैर में, ऐसी हालत है। हमने बोला सर एक मिनट के लिए, दो मिनट के लिए खोल दो। बोले एक मिनट के लिए भी नहीं खोलेंगे, ये भाग जाएगा। मतलब सर इसकी भागने वाली हालत नहीं है। बोला ये ठीक है, ये भाग जाएगा, और उसकी ऐसी हालत नहीं है कि वो सही से ठीक से चल भी पाए। यहाँ आजम भी है? आजम नहीं है, वसीम है और अजीम है। अजीम जी, इन लोगों को भी गोली लगी है? जी उनके भी गोली, उनके छटा लगा है अजीम के। तो जो लोग घायल हुए उस हिंसा में, अलग अलग अस्पतालों में उनको शिफ्ट किया जा रहा है, और फिलहाल स्थिति ये है कि पैरों में बेड़ियां हैं मोहम्मद हसन की, और परिवार ये दावा कर रहा है कि उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो और सस्पेक्ट्स का नाम ले, नहीं तो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। ये परिवार का दावा है फिलहाल। वीडियो सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, मुरादाबाद।